बरेली में कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुआ जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव। बरेली में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में राजनीतिक दलों में काफी गहमागहमी के बीच आज संपन्न हुआ मतदान। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एबीपी 9 न्यूज और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के जिला बरेली से। आपको बता दें कि बरेली में आज जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में राजनीतिक दलों में काफी गहमागहमी हुई, जिसके बीच आज मतदान संपन्न हुआ। बरेली में जिला पंचायत के लगभग 60 सदस्य हैं, जिनमें आपको बता दें कि सदन में चुनावी गणित के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के पास मैच 13 सदस्य हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के पास 6 सदस्य हैं और उनको चुनाव जीतने के लिए सिर्फ 5 सदस्यों की और जरूरत है, जबकि बीएसपी के पास 6 सदस्य हैं, जिनको ये तय करना है कि वह भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे या फिर समाजवादी पार्टी का। 14 निर्दलीय और 1 सदस्य एमआईएम का है, जिसमें 26 सदस्यों के साथ समाजवादी पार्टी प्रत्याशी विनीता गंगवार को जिताने के लिए समाजवादी पार्टी नेता पूरी तरह से जुटे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने रश्मि पटेल को अपना प्रत्याशी बनाया, जिनके लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग जी जान से जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि जिले में लगभग 60 सीटें हैं। चुनाव जीतने के लिए पार्टी को 31 सदस्य चाहिए और पार्टी 26 सदस्य होने का दावा कर रही है। अब बचे हुए 6 सदस्यों को अपने पाले में करने की मुहिम शुरू हो गई है, जबकि समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष अगम मौर्या का कहना है कि विनीता गंगवार जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ रही हैं और निर्दलीय एवं अन्य लोग भी उनके साथ हैं। पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के निर्देशन में सभी बड़े पार्टी के नेता एवं कार्यकर्ता एकजुट होकर के उनको मतदान कर रहे हैं। पार्टी में किसी प्रकार का कोई भी मन मुटाव नहीं है। जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी से हमारे बीच बातचीत करने के कुछ अंश हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी खबर देखने के लिए बने रहिए अखिल भारतीय 9 पत्रिका समाचार के साथ, यानी एबीपी 9 न्यूज के साथ, और खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल एबीपी 9 न्यूज, हर खबर आप तक। तो उन्हीं के समर्थन में आज समाजवादी पार्टी के जनपद के सभी साथी यहाँ पे आज खड़े हैं। जी, क्या व्यवस्था है, क्या कैसा, क्या पार्टी के बारे में कहेंगे आप? व्यवस्था हमारी पूरी तैयारी है, क्योंकि ये लोग हर तरीके से सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने अन्य जिलों में देखा, किस तरीके इन्होंने जबरदस्ती पर्चे वापस दिलवाए गए हैं। एक बागपत में तो दूसरी महिला को भेज दिया कि मैं प्रत्याशी बन के दूसरी महिला चली गई, और वो बाद में जब इनकी अपनी चूक का जब इनको पता चला, तब रात में पर्चा वैध कराया। कभी बधाइयों का भी मामला आया था। इस तरीके से अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं, इसलिए आज पूरी समाजवादी पार्टी मुस्तैदी से खड़ी हुई है। अगर कोई गलती या फिर कोई ये लोग करते हैं, कुछ हरकत करते हैं, कुछ बेईमानी करते हैं, तो समाजवादी पार्टी पूरी मुस्तैदी से खड़ी है। सर, कई जिलों में सुनने में आया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष है वो निर्विरोध चुने गए हैं, तो सर बरेली में क्या कहना है समाजवादी पार्टी में? तो हमारा चुनाव चल रहा है और ऊपर वाले की दुआ से हम लोग बरेली जीत के आएंगे। समाजवादी पार्टी का अपना अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं हम, अगर कोई बेईमानी नहीं करी तो। सर, बरेली में भी कोई क्या बेईमानी हो सकती है ऐसा आपको लगता है? देखिए, जब बीजेपी की सरकार है तो बेईमानी तो कहीं भी हो सकती है। अब इनकी बेईमानी का नियत का ही हम आपको बताएं, इन्होंने अपने बीजेपी के मेंबरों को पीछे से एडीएम ऑफिस के सामने जो पास में एक गेट है उससे भिजवाया है, और हमारे जो समाजवादी पार्टी के मेंबरों को उनको इतनी एसबीआई वाले गेट से, तो ये तो इनकी खुद की नियत है। भेदभाव हो रहा है? हाँ, बिल्कुल भेदभाव हो रहा है, शुरू से भेदभाव हो रहा है। हमारे सत्ता के होते हुए भेदभाव किया जा रहा है। हमारे जिला पंचायत सदस्यों पर थाने द्वारा, एसओ द्वारा, इंस्पेक्टर द्वारा इतना ज़्यादा अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा था कि हम आपको बता भी नहीं सकते। इस बारे में हम लगातार डीएम साहब से, कप्तान साहब से लगातार मिले, यहाँ तक कि हम डीआईजी आईजी साहब सबसे मिले। कितने बजे परिणाम घोषित होंगे? 3:30 बजे से शुरू होगी काउंटिंग, देखिए कब तक। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद सर जी। क्या नाम है आपका? योगेंद्र सिंह पटेल। ये जो चुनाव हो रहा है जिला पंचायत का, इसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? संबंध में क्या, माहौल जो चल रहा है वो भाजपा के पक्ष में है। 40 से अधिक वोट तो भाजपा के पक्ष में है। भावी जी रश्मि पटेल जी अध्यक्ष बनेंगे और सपा का जो, इसका परिणाम कब तक आ जाएगा? परिणाम अभी 2 घंटे लग जाएंगे, 2 घंटे बाद परिणाम आ जाएगा। तो नगर पंचायत सेतल से चलकर आप यहाँ पर आए हैं, इस चुनाव चल रहा है, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? आज जिला पंचायत अध्यक्ष की वोटिंग है यहाँ पर जी। आज पूरी समाजवादी पार्टी यहाँ कलेक्ट्रेट पर, आज सब बरेली के नेता समाजवादी पार्टी ये इकट्ठा है जी। यहाँ तक चुनाव की बात है, चुनाव तो जिला पंचायत अध्यक्ष का लगभग बरेली नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जो जनता ने जिताने का काम किया वो समाजवादी पार्टी को ही किया था, लेकिन प्रशासन ने पूरी तरीके से बेईमानी करके लगातार समाजवादी पार्टी के अध्यक्षों को रोकने का काम किया है। लेकिन फिर भी बरेली में हम समाजवादियों ने बहुत अच्छी तैयारी करके चुनाव में अभी 1 घंटे बाद जो आपके सामने नतीजे आएंगे, इंशाल्लाह जीत हमारी ही होगी।
जी। और क्या संदेश देना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए चैनल के माध्यम से? भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए नहीं, मैं संदेश देना चाहूँगा उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कि उन्होंने पिछली सरकार को भी देख लिया, जो मौजूदा सरकार है उसको भी देख लिया, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सरकार थी उसमें समाज के हर वर्ग तक न्याय दिलाने का काम अखिलेश यादव जी ने किया। उनकी बहुत सारी ऐसी योजनाएँ हैं, चाहे वो गरीबों के लिए हो, किसानों के लिए हो, व्यापारियों के लिए हो। चुनाव के नतीजे कब तक आ जाएंगे, आप क्या अनुमान लगा सकते हैं इस तरीके से? अभी आप नहीं रुकी, एक घंटे बाद आपको मिल जाएगा। जी जी, और कुछ कहना चाहेंगे? बस यही है, आगामी विधानसभा चुनाव में सब लोग अखिलेश यादव जी के साथ रहें और प्रदेश में एक बार फिर से खुशहाली का माहौल। जिला पंचायत के अध्यक्ष दूरलक्ष्मी पटेल जिला पंचायत अध्यक्ष बन गई और 40+ वोटों से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत ज्यादा जोश में दिखाई दे रहे हैं, तो इसके बारे में क्या मिलेंगे 16? अच्छा, पार्टी के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और कार्यकर्ता ने इल्जाम लगाया कि जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पर्चा वापस कराया जबरदस्ती, इसके बारे में आपका क्या कहना? समाजवादी पार्टी वाले की तो हमेशा ये रही करते, हमेशा बातें करना, हंगामा करना तो करते ही। तो आपका मानना है कि बीजेपी जो है अपनी अध्यक्ष बना रही है? रश्मि पटेल जी। रश्मि पटेल जी, बात करना चाहूँगा सर, क्या कहना है आपका आज के चुनाव के बारे में? देखिए, उत्तर प्रदेश में जी वर्तमान सरकार की कार्यप्रणाली को देखते हुए अधिक से अधिक जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बन रहे हैं और बहुमत से, ये तो सपा में कुंडई के बल पे, दादागिरी के बल पे लोगों को वोट छीन के जो निर्वाचित कर रहे थे, ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल निराधार है। अभी हमारी समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष से बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि कलेक्ट्रेट में पीछे से लोग घुसड़ जा रहे हैं अपने, इस तरीके भाजपा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने जिला पंचायत सदस्यों को घुसड़ा, ये क्या इस तरीके का क्या? ये कोरी अफवाह है, उन्हें कोई बात करने को मौका नहीं मिला तो उन्हें ये आरोप लगा दिया। पीछे से जरा आप स्वयं जाके देखिए कितनी चाक चौबंद पुलिस ने किसी भी समाजवादी के मेंबर से कोई अभद्रता की, और स्वतंत्र होके यहाँ वोट पड़ रहे हैं, निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। बरेली में ये इतिहास होगा कि पहली बार इतनी पारदर्शिता से यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष का मतदान हो रहा है। हमारी भाभी रश्मि पटेल यहाँ से निर्वाचित हो रही है, जिन्हें सब दल का समर्थन है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।